आज हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो है ऑर्थोनॉर्मल सेट की तीन एग्जांपल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ लेमा और ऑर्थोनॉर्मल सेट डिस्कस किया था। एग्जांपल नंबर वन देखें हमारे पास क्या है। एग्जांपल नंबर वन में है इकोलीडियन स्पेस R3। R3 जो है बेसिकली ये भी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करता है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन में आ जाता है। सबसे पहले तो इकोलीडियन R3 की आपको बेसिस का आइडिया होना चाहिए। जो उसकी बेसिस होती हैं स्टैंडर्ड बेसिस, वही उसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं और वही ऑर्थोनॉर्मल सेट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर इनका आपस में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर होते हैं और इनकी नो प्रोडक्ट भी एक दूसरे के साथ जो है वो जीरो आती है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है इन दिस स्पेस R3 दी थ्री यूनिट वैक्टर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीनों इसकी स्टैंडर्ड बेसिस भी हैं। द डायरेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। थ्री डायरेक्शन हमारे पास, थ्री एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास 1 0 0 हो गए, यानी एक्स की वैल्यू 1, वाई जी की 0। वाई एक्सिस पे वाई 1, एक्स जी 0, और जी एक्सिस पे एक्स वाई 0 और जी की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास जो थ्री एक्सिस हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आप इनके आपस में इनर प्रोडक्ट ले लें, आप लेके देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड सेकंड से थर्ड, थर्ड से, तो बेसिकली हमें जीरो आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्पेस L2। L2 स्पेस भी हमारे पास होता है नॉर्मल सीक्वेंस होती है। अगर हमारे पास इसमें इस तरह की सीक्वेंस आ जाए En=Canonical Delta NJ हैज़ दी nth एलिमेंट 1 एंड ऑल अदर 0। यही चीज़ है कि अगर हमारे पास इसकी nth वाली वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, यानी डायगनल एंट्रीज की जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास 1 हो जाए और बाकी सारी की सारी हमारे पास हो जाए 0, तो इस सिचुएशन में जो L2 स्पेस होती है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल की सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इस सिचुएशन में वही आ जाता है कि डिफरेंट का आपस में इनर प्रोडक्ट 0 आ जाती है, हमारे पास जो सेम होती है उसकी इनर प्रोडक्ट 1 हो जाती है और उसमें स्केलर 0 हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे पास इसकी थर्ड एग्जाम्पल आ जाती है कॉन्टीन्यूस फंक्शन। लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2π विद इन अ प्रोडक्ट डिफाइंड बाय दिस। अगर हमारे पास एक्स कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जिसके अंदर सारे के सारे रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो, सारे के सारे रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब उनकी डोमेन रेंज रियल नंबर हो, कॉन्टीन्यूस का मतलब है वो कॉन्टीन्यूस हो, और इंटरवल बता दें 0 से 2π के बिटवीन हमारे पास अगर बात हो रही है, 0 to 2π भी इंक्लूड हो सकते हैं क्लोज इंटरवल है, और अगर उसे इस तरह की इनर प्रोडक्ट डिफाइन की जाए x(t), y(t), d(t) और इंटेग्रल की फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास जो बेसिकली है ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट जो है ये ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ऑर्थोनॉर्मल स्पेस बन जाता है। अभी हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ सीक्वेंस डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये ऑर्थोनॉर्मल हमारे पास बने। उसके लिए हमने एक सीक्वेंस ले लेनी है un, एक सीक्वेंस ले लेनी है हमने vn। un को हमने नाम दे दिया cos(t) का, वेयर n इज फ्रॉम 0, 1 up to so on infinity। सिमिलरली vn हमने ले लिया sin(n)t, यानी अगर हम यहाँ पे un(t), जिस तरह यहाँ पे x(t), y(t) था, तो un(t) cos(n)t ले लें, vn(t) sin(n)t ले लें, ये दोनों हमारे पास ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेज हैं। हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल के अंदर सारी की सारी पेयर वाइज जो है ऑर्थोगोनल सीक्वेंसेज होती हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फैक्टर के रिस्पेक्ट से डिफाइन करूँ तो um और un को डिफाइन कर लेती हूँ, और um है तो हमारे पास cos m है, un है तो cos n हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल फंक्शन आ रहा हो तो m n डज नॉट इक्वल होंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल जो है आपस में, अगर m n इक्वल हो जाएंगे तो इसका आंसर पाई आ जाएगा, और अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो 2π आ जाएगा, क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, भी 1 होता है, 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन t आ जाएगी, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2t आ जाएगा। जिस तरह हमने ये सीक्वेंस डिफाइन किया, हमारे पास एक ऑर्थोगोनल थे पेयर वाइज, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की डेफिनेशन बनती है, तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट की एग्जांपल में चला जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने कॉस के रिस्पेक्ट से डिफाइन किया, हम इसको साइन के रिस्पेक्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये बात की हुई है, सिमिलरली हम vn के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, vn में आ जाएगा sin(m)t, यहाँ पे भी आ जाएगा sin(m)t, उसमें भी हम लिख देंगे कि हमारे पास किस सिचुएशन में ये क्या आंसर देता है। हैंस एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस en वेयर, अब हमारे इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की अगर हम बात करते हैं, उसके अंदर जो e0(t) होगा 1/2π स्क्वायर रूट के इक्वल आएगा, यानी उसकी जो e की वैल्यू होगी वो इसके इक्वल आएगी। और अगर मैं इसे फॉर्मूले के फॉर्म में देखूँ, इस तरह वैक्टर ओवर वैक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, तो e के अंदर हमारे पास जो है सीक्वेंस ओवर सीक्वेंस की नॉर्म होगी। सीक्वेंस हमारे पास क्या है cos(n)t, उसकी नॉर्म हमारे पास क्या होगी square root of π, square root of π होगी। तो आपने फॉर्मूला याद कर लेना है। इसी तरह अगर हम vn के रिस्पेक्ट से बात करें, vn में भी सेम ये सिचुएशन होगी, जहाँ जहाँ cos आ रहा है वहाँ साइन आ जाएगा,
तो वी एन की अगर हम बात करें वो भी ऑर्थो नॉर्मल सीक्वेंस बनेगी उसकी नोटेशन चेंज करने के लिए, के ऊपर डेल्टा लगा दिया है। और यहाँ आपने कॉस्टली गया साइन रहेगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो सेम रहेंगी, इनकी वेरिएशन भी आपके पास सेम रहेगी। तो ये जो दो आपके पास डिफरेंट सीक्वेंसेस है यू एम और वी एन, ये आपस में हमारे पास जो है ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मल है यानी पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है, इसकी फोर ईयर सीरीज़ आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारे पास बेस्ट इंप्रेशन है जिसे हम बता सकते हैं कि दोनों सीक्वेंस जो है मिलकर ऑर्थो नॉर्मल सेट की एग्जांपल्स में चली जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं आप इसको सुने समझे, अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।